नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर स्पीड ड्राइविंग को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियम के बारे में। बिहार में सड़कों पर मनचलों की कमी नहीं है। हर दिन मनचलों का हुजूम बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल जाता है, जो ना तो नियमों का पालन करना जरूरी समझते हैं, ना ही पुलिस से उन्हें कोई डर है, जिसके कारण कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और कई सारे परिवारों की जिंदगी तबाह हो जाती है। हालांकि बिहार सरकार बिहार में ऐसे चलो पर नकेल कसने और सड़क दुर्घटना को कम करने के इरादे से बिहार में अब ओवर स्पीड ड्राइविंग करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अब कैमरे की मदद से ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाएगी, साथ ही चालान भी काटा जाएगा। परिवहन विभाग ने साल 2030 तक राज्य भर में एनएच, एसएच, ग्रामीण या शहरी सड़कों पर ओवर स्पीड या ओवरटेक कर आगे निकलने वालों पर नकेल कसने की बात कही है, ताकि निर्धारित समय तक सड़क दुर्घटना को 50% से भी कम कर लिया जाए। इसको लेकर हर साल सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने वाला काम भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब विभाग ने ओवर स्पीड को रोकने के लिए कई डिवाइस की खरीदारी भी की है, जिसमें कि नियम उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जा सके। खबरों की माने तो डिवाइस खरीदने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसकी पुष्टि परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ही विभाग ने यह लक्ष्य तैयार किया है। इसके लिए स्पेशल पेट्रोलिंग होगी, जिसके लिए यातायात पुलिस की तैनाती ग्रामीण सड़कों पर भी होगी, जहां वो वायरलेस और वॉकी टॉकी से निगरानी करेंगे। पेट्रोलिंग के लिए इंटरसेप्टर व्हीकल की खरीदारी होगी, जिनमें ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड गन एवं एनपीआर कैमरा होगा। इससे शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की पहचान होगी और कोई यातायात नियमों को तोड़कर भागेगा तो उस गाड़ी के नंबर प्लेट को कैच कर लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि बिहार में इसकी जरूरत काफी ज्यादा क्यों महसूस की गई। बिहार में सड़क दुर्घटना से जान जाने वालों की संख्या की बात करें तो पिछले 4 साल में रिकॉर्ड तोड़ लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गई है। साल 2017 में कुल मिलाकर 8,855 लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिनमें से 5,554 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं साल 2018 में 9,600 लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिसमें से 6,729 लोगों की जान जा चुकी है। साल 2019 में कुल मिलाकर 10,007 लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हुए, जिसमें से 7,202 लोगों की जान चली गई। वहीं पिछले साल सड़क घटना के मामले में थोड़ी कमी देखने को मिली। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार साल 2020 में 8,063 लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिसमें से 6,634 लोगों की जान चली गई थी। जानकारों की माने तो बिहार में भी ई चालान की व्यवस्था शुरू हो सकती है, जिससे कि अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया है तो आपके पास जुर्माने की कुल राशि खुद ब खुद चली आएगी। अगर यह व्यवस्था बिहार में लागू हो जाती है तो आप भी चालान कटा है या नहीं इसकी भी आसानी से जानकारी ले सकेंगे, जिसके तहत अब आपको अपने ई चालान का पता लगाने के लिए सबसे पहले ecalan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, जहां जाकर आप वेबसाइट पर चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करें, जहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें चालान नंबर, व्हीकल नंबर और डीएल नंबर। यहां आपको व्हीकल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जहां आप अपनी गाड़ी का नंबर डालें। इसके बाद आपके सामने कैप्चा कोड एंटर करना होगा, जिसके बाद आप जैसे ही गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का चालान है भी या नहीं। वाहन मालिकों के पास हालांकि शिकायत का विकल्प भी दिया गया है। ओवर स्पीड ड्राइविंग के कारण अगर आपका चालान कटता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तो आप इसकी शिकायत भी आसानी से कर सकते हैं, जिसके तहत हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से ओवर स्पीड ड्राइविंग को लेकर जारी किए गए नियमों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और कम लोगों की जान जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।